नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। मुंगावली का कथित लफ्ज जिहाद का मामला ग्वालियर पहुंच गया है। अदालत के आदेश पर ग्वालियर नारी निकेतन में रह रही लड़की के परिजनों ने जहां लड़के वालों पर जबरदस्ती निकाह कराने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है, वहीं लड़के वालों ने अदालत में याचिका दायर कर लड़की को अपनी बहू बताते हुए उन्हें सौंपने की मांग की है। हालांकि अदालत ने लड़की वालों की याचिका खारिज कर दी है। वहाँ पे माँ का नाम भारती जैन की जगह भारती हुसैन लिखवाया गया और हैदराबाद में धर्मांतरण के समय ये भी नहीं देखा कि मध्य प्रदेश का और तेलंगाना का एक्ट कहता है कि धर्मांतरण यदि किसी को करना है तो कलेक्टर की स्वीकृति लेना जरूरी है, लेकिन कलेक्टर से कहीं तक कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देखे गए और धर्मांतरण कर दिया गया। और धर्मांतरण करने की घटना थी तो अशोकनगर जिले में पूरा जन समुदाय, हिंदू संगठन, जैन समाज सब सड़कों पे उतरी, तब दबाव में आकर के प्रशासन ने लड़के और लेने से मना कर दिया कि ये हमारे समाज के अनुसार हमारे योग्य नहीं है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।